सब्सक्राइब कीजिए WWE न्यूज हिंदी चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को और WWE की अपडेट्स पाएं सबसे पहले। दोस्तों, इस बार का सर्वाइवर सीरीज बहुत खास था और एक बार फिर टीम रॉ ने स्मैकडाउन लाइव को हरा दिया, लेकिन चैंपियन वर्सेज चैंपियन के 4 में से 3 मैच स्मैकडाउन लाइव ने जीते। सर्वाइवर सीरीज की इस रिवेलरी को शेन मैकमैन ने शुरू किया था रॉ को अंडर सीज करके। तो दोस्तों, फाइनली अब सर्वाइवर सीरीज 2017 का समापन हो गया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2 बड़ी अपडेट्स के बारे में जो इस सर्वाइवर सीरीज से निकल कर सामने आई। पहली अपडेट है ब्रॉक लेसनर की इंजरी को लेकर। दोस्तों, ब्रॉक लेसनर के मैच बहुत खतरनाक होते हैं जिनमें कुछ भी हो सकता है। कई बार ब्रॉक लेसनर खुद बेकाबू होकर अपने विरोधी पर टूट पड़ते हैं। इस सर्वाइवर सीरीज में द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का सामना फिनोमिनल 1 एजे स्टाइल से हुआ। ये एक किलर मैच था और अंत में जीत द बीस्ट की हुई। लेकिन रेसलिंग न्यूज ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट जारी किया जिसमें ब्रॉक लेसनर के इंजर्ड होने की शंका जताई। ट्वीट में बताया कि लेसनर की मैच लड़ते समय नी इंजरी हो गई, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई। अगली जो अपडेट निकलकर सामने आती है वो है ट्रिपल एच और ब्रॉन स्ट्रोमन के अंतर्युद्ध के बारे में। जैसे कि हम सभी को सर्वाइवर सीरीज में टीम रो के कुछ मेंबरों की आपसी लड़ाई देखने को मिली। 5-on-5 एलिमिनेशन मैच खत्म होते ही ब्रॉन स्ट्रोमन ने द गेम पर अटैक कर दिया था और उन्हें 2 पावर स्लैम दिए। तो काफ़ी सारे फैंस के मन में एक सवाल आया होगा कि आखिर स्ट्रोमन ने ऐसा क्यों किया। इस पर स्ट्रोमन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो भी मेरी राह में आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब है कि ब्रॉन स्ट्रोमन अब अपनी दुश्मनी द गेम ट्रिपल एच के साथ बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।